मोदी जी महाराष्ट्र के अंदर है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। पानीपत के अंदर भाजपा वाले इकट्ठा हुए, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। बुधवार को समालखा विधानसभा क्षेत्र के पापोली कस्बे में भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवार शशिकांत कौशिक को जिताने की अपील की। कांग्रेस को अपने निशाने पर रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अनावश्यक रुकावटें न पैदा करती तो राफेल कभी का भारत में आ जाता और बालाकोट स्ट्राइक के समय भारत को पाकिस्तान की सीमा में जाने की जरूरत ही न पड़ती। सेना भारत भूमि से ही राफेल की मदद से स्ट्राइक को अंजाम दे देती। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कश्मीर मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर पाकिस्तान के हितों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, मनोहर जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, भारत की सुरक्षा के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। एक तरफ बीजेपी तो कोई कंपटीशन है नहीं अभी से। आपने 3-4 महीने पहले देखा है कि कांग्रेस के ये सारे जो अभी प्रत्याशी है ये भी यहीं था, और भी शख्सियत इनकी आई हुई थी, 37,000 वोट आई थी और बीजेपी की हमारी 1,02,000 वोट आई थी, तो तुलना नहीं है अब की बात। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर की शांति पिछले 50 सालों से दांव पर लगी हुई थी, हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई, हजारों सैनिक शहीद हो गए। पाकिस्तान अनुच्छेद 370 के कारण ही भारत में आतंकवादियों को दाखिल कराता रहा, लेकिन अफसोस जब भारत को विपक्ष के नैतिक समर्थन की जरूरत थी, कांग्रेस ने धारा 370 को हटाने का विरोध किया, इससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह हरियाणा में भी ईमानदार सरकार है, और अगर लोग फिर से हरियाणा में ईमानदार सरकार चाहते हैं तो समालखा विधानसभा क्षेत्र से शशिकांत कौशिक को सफल बनाएं। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, never miss an update.